मुन फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम सुबह सुबह मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है क्योंकि स्टूडेंट आज आपको पता है कि 2023 साल का अंतिम दिन है। अब ये साल आपका कैसा भी निकला हो इसको आपको भूल जाना है, लेकिन जो 2024 है स्टूडेंट वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। बहुत सारी हर विभाग में विज्ञप्ति आने वाली है। हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की विज्ञप्तियों की स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का यही है कि 2024 में जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है तो शायद आपके 2-3 महीने के अंदर अंदर जरूर आ जाएंगी, उसमें आईपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड गणित विषय की तैयारी आप कैसे करें ताकि आपका यह जो प्रथम चांस है 2024 में बहुत से स्टूडेंट्स का वो उसी में उनका क्लियर हो जाए और वापिस उनको पलट कर देखने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा और जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट किन किन चीजों को, बहुत से स्टूडेंट जो भी नए जुड़े हैं उनको पता नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस हैं इसके लिए, लेकिन जो स्टूडेंट इन सब परिस्थितियों से गुजरा है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है, जिसने फर्स्ट ग्रेड निकाला है सेकेंड ग्रेड निकाला है आरपीएससी से द्वारा। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नंबर वन, किन किन चीजों पर स्टूडेंट आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे मिथक जुड़े हुए हैं। जो स्टूडेंट आपके 2022 का जिन्होंने पेपर दिया वो आपके अगर दोस्त हैं तो वो बोलेंगे पेपर बहुत टफ आता है, ये है वो है, तैयारी नहीं होती है, मैंने तो अपना सब्जेक्ट बदल दिया, ऐसी बहुत सी बातें भी आपको सुनने में मिली होंगी। तो उन सब बातों को दूर करते हुए, उन सभी मिथकों को तोड़ते हुए स्टूडेंट देखिएगा ये वीडियो। नंबर वन कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है ताकि इस बार आपको सफलता हाथ लग जाए। देखिए स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप जो है आपका बेसिक अच्छा करें। ये जो वीडियो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इक्वली, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी लाभदायक रहेगा, दोनों ही स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। बेसिक पर जोर दें, बेसिक पर जोर दें। देखिए स्टूडेंट ये बहुत जरूरी चीज है, मैंने हमेशा इस चीज के लिए बोला है आपको कि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपने अगर अभी शुरुआत की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा कहा है वैकेंसी आने से पहले आपकी शुरुआत 2-4 महीने पहले हो जानी चाहिए ताकि वैकेंसी तक आपका आधा कोर्स कम से कम खत्म हो जाए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी आधी जीत तय है, 50% काम आपका हो गया। तो सुनिए अभी ये बिल्कुल सही समय है तैयारी शुरू करने का, बेसिक पर जोर देवे। डायरेक्ट आपको एसआर सैनी जैसी जो आपकी जो बुक्स हैं स्टूडेंट, एसआर सैनी जैसी बुक्स को आपको सीधा, जो आईटी लेवल की बुक्स हैं बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, उस पर आपको सीधा नहीं आ जाना है, बेसिक पर जोर देना है। तो बेसिक के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, बेसिक के लिए मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं कि जो 2006-07 से पहले की जो बुक्स थी स्टूडेंट, है ना, 2006-07 से पहले की जो आपको आरबीएससी द्वारा जो बुक्स चलती थी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट, वो बुक्स जो आपके 11th की जो आपकी 8 बुक्स थी स्टूडेंट, और 12th की भी स्टूडेंट वो आपकी 4 बुक्स थी, यानी कि ये जो 8 बुक्स है ना वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे खास बात, वहां से आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा इन 8 बुक्स में। थोड़ी ज्यादा लग रही होंगी लेकिन ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्या कहा मैंने आपको, बेसिक पर जोर देंगे, एसआर सैनी, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, एररलेस वाली बुक हो, अरिहंत हो, या बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं आपकी आरडी शर्मा जैसी जो आईआईटी जेई मेंस और एडवांस बेस्ड है, उसको सीधा आपको नहीं जाना। ये बात सत्य है कि क्वेश्चन ज्यादातर हमारे यहाँ आईआईटी लेवल तक के टच होते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए तब जाकर के आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स को रटने वाला काम नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपको, जो 2006-07 से पहले उसमें जो हमारे बुक्स चलती थी 11th-12th की, जो 4-4 बुक्स का जो सेट था उसमें पूरा आपका मैथ्स कवर हो रहा है 11th-12th का, तो आपके पास ये 8 बुक्स होनी चाहिए। अगर आप मुझसे अप्रोच करते हैं तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट ये सेकंड ग्रेड के हमारे 1500 प्रश्न प्लस टेस्ट सीरीज निःशुल्क है पीडीएफ 140 रुपीज में, उसके साथ में स्टूडेंट मैं आपको इन 8 बुक्स की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। ये जो सेकंड ग्रेड के जो 1500 क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट लेंगे टेस्ट सीरीज, उसके साथ भी निःशुल्क है, पीडीएफ 140 रुपीज है, और ये मैं आपको 8 बुक्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नंबर वन बेसिक पर आपको जोर देना है। मैंने आपको पहले भी कहा है बहुत लंबा नहीं सोचे कि मैं अपना कोर्स 4 महीने में कर लूं, 6 महीने में कर लूं, बहुत लंबा नहीं सोचे, आप टारगेट बनाए छोटा छोटा, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट बनाए, है ना, छोटे छोटे टारगेट बनाए आप एक एक महीने के, है ना, एक एक महीने के टारगेट बनाए
कि भाई इस एक महीने में मैं जो है वो एलजेब्रा के कितने टॉपिक्स कर सकता हूँ। स्टूडेंट आपको पता है कि एलजेब्रा के लगभग आपके 7 से 8 टॉपिक हैं, है ना। तो आप 10 दिन का एक टॉपिक रखें, कितने दिन का, 10 दिन का एक टॉपिक, यानी कि लाइक आपने शुरू कर दिया, सबसे पहले आपने उठाया स्टूडेंट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सिंपल सा टॉपिक है, 4 प्रश्न लगभग इससे आते ही आते हैं स्टूडेंट। तो ये टॉपिक आपको पहले इन बुक से पढ़ लेना है, अच्छा सा बेसिक क्लियर हो जाए आपका, देन एसआर सैनी पर जाए, सीधा नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा वहां से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं एसआर सैनी इसी बुक से, क्योंकि आपका आईआईटी लड़का पहले कभी पढ़ा नहीं होता है तो फिर स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हो जाता है, ये इसके साथ दिक्कत है। तो आप जैसे कि आपने मल्टी डिटरमिनेंट का टॉपिक ले लिया, इसको आप 10 दिन दे लें, यानी कि ये टारगेट फिक्स कर ले, मुझे अमुक टॉपिक 10 दिन में पूरा करना है, भले मुझे दिन के 5 घंटे पढ़ना पड़े, मुझे दिन के 10 घंटे पढ़ना पड़े, ठीक है स्टूडेंट। तो आप एक महीने में लगभग लगभग 3 से 4 टॉपिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं तो 5 टॉपिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक को कम से कम स्टूडेंट आप 5 से 6 दिन जरूर दे रहे हैं, ठीक है। और पढ़ना किन से है, इन बुक से पढ़ना, जो कि आपका बेसिक अच्छा करेंगे, समझ गए आप, बेसिक पर जोर दे रहे हैं। छोटे छोटे टारगेट बनाए, 15 दिन का, एक महीने का, मुझे अमुक 15 दिन में ये दो टॉपिक करना है, जैसे कि आपने मैट्रिक रिटर्न में शुरुआत की नंबर 1, उसके बाद में स्टूडेंट आप चाहो तो सेट रिलेशन फंक्शन पे आ सकते हैं, ये आपका नंबर 2 टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 10 दिन में आप पहले सिलेबस निकाल लें, सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का जो भी है, और उसके बाद में उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप सामने रखें। मैट्रिक रिटर्न पूरा एक टॉपिक है, सेट रिलेशन फंक्शन दूसरा टॉपिक है, देन आप एलजेब्रा में आ सकते हैं, उसमें आपके लगभग 6 टॉपिक है, 5 या 6, उनको आप टारगेट बनाए 15 दिन का, और उसके बाद इन बुक से सोल्व कर ले जो पुरानी बुक से बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी हुई है, क्वेश्चन का लेवल है, और मैंने तो इससे अच्छी बुक अभी तक देखी नहीं है मार्केट में, ठीक है, आपका बेसिक बढ़िया करने के लिए। तो फ्रेंड देखिए ये 2 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, बेसिक पर जोर दे, छोटे छोटे टारगेट बनाए, सिलेबस निकाल के आप अपना टेबल पर रख ले, पुराने पेपर्स की जो पीडीएफ है वो आपके मोबाइल में हमेशा होनी चाहिए, जैसे कि आपने मैट्रिक रिटर्न टॉपिक कर लिया, उसके बाद में पुराने पेपर्स पर जाइए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई हमने अमुक टॉपिक पढ़ लिया है, अब ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में आते हैं तो हमसे हो रहे हैं या नहीं, बस ये आपको करते रहना है। कोचिंग करें नहीं करें वो आप पर डिपेंड है, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि मैंने खुद बिना किसी कोचिंग के सारे एग्जाम निकाले हैं, नेट सेट सब हो गया, लेकिन इसके लिए आपको विल पावर बहुत तगड़ी चाहिएगी, आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, गणित पढ़ते समय आपको भूल जाना है कि कितने घंटे पढ़ना है, 3-4, समय वैसे निकल जाएगा। अगर आप इतना डेडिकेटेड होकर पढ़ सकते हैं तो कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको विल पावर और डेडिकेशन आपके दोनों बहुत ज्यादा होनी चाहिए गणित के लिए, क्योंकि कोचिंग से आपको एक रास्ता मिल जाता है बस वही। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं घर बैठे कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे निकालते हैं, सिलेक्शन भी होते आए हैं उनके, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप करें ना करें, वह खुद का स्वविवेक है आपका, कि आप देख सकते हैं कि आप किस स्तर पे हैं, क्या आपका लेवल है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें, ठीक है। तो 2-3 चीजें मैंने बता दी, बेसिक पे जोर दे, छोटे छोटे टारगेट बनाए, जो टॉपिक सिंपल हैं उनको आप पहले ले लेवे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इक्वल लेवल के आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी के मार्क्स बराबर ही हैं स्टूडेंट तो, लेकिन आपको इन बुक्स की हेल्प से पढ़ना है ताकि आपका जो बेसिक है स्टूडेंट वो बहुत अच्छा हो सके। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और एक बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, ये भी कई सारे स्टूडेंट के मन में है कि सर दोनों की तैयारी अलग अलग, कोई जरूरत नहीं है, 2022 में जो नया सिलेबस आया उसके बाद में दोनों के सेम टॉपिक्स आ रहे हैं लगभग 11th 12th और बीएससी पार्ट के, तो आप बिल्कुल दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जीके में डिफरेंस है वो बात की बात है, वैकेंसी आने के बाद। नंबर 3, अभी आप केवल केवल पेपर सेकंड को पढ़ें, पेपर सेकंड को मतलब मैथ्स को, मैं आपको अभी नहीं बोलूंगा कि आप पेपर फर्स्ट को पढ़ें, क्योंकि देखिए पेपर फर्स्ट जीके वाला पेपर है वो आपका 3 से 4 महीने में बहुत आराम से हो जाएगा घर पर भी, लेकिन जो सेकंड पेपर स्टूडेंट उसको आपको अभी से पढ़ना है। कई स्टूडेंट क्या होते हैं दोनों पेपर पैरेलल चलाते रहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा जब तक वैकेंसी नहीं आए तब तक आप केवल मैथ्स को ही पढ़ें, इसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यहां से 40% की दिक्कत आती है जीके में, कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी प्रकार के 40% बनाने की, 90% स्टूडेंट के इस बार की जो रहे जो 700 सीटें खाली रही उसमें से स्टूडेंट 90% सीट्स मैथ्स की वजह से ही खाली रही है, जीके का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि जब तक वैकेंसी ना आ जाए भले आप जीके में कितना भी कमजोर हो उसको बाद में रखिएगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सेकेंड पेपर जो है मैथमेटिक्स वाला उसको पहले अच्छा करें,
वो अच्छा होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। यही स्टूडेंट से पिछली बार मात खाइए, पिछले सभी को चीजों को भूल जाइए, कैसे आया, क्या आया, क्या नहीं आया, वो सब भूल जाइए। नया साल है, नए तरीके से आपको पढ़ना है ताकि सिलेक्शन इस बार हो जाए, ठीक है। नंबर 3 मैंने क्या बताया, केवल पेपर सेकंड की ही तैयारी करनी है, यानी कि मैथ्स की, ठीक है। पेपर फर्स्ट को इसमें अभी आप चालू नहीं करें, वो बिल्कुल अलग रखें। विज्ञप्ति आने के बाद उसको आप चालू कर सकते हैं, घर पर भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो केवल पेपर सेकंड, क्या क्या मैंने बता दिया, बेसिक पे ध्यान देना है, सिलेबस निकाल के टेबल पे रखना है। नंबर 3, वो जो बुक्स मैंने बताई, 8 बुक्स आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली आप मुझे खुद मैसेज करके बताओगे, एक तो मैंने बात की तरह मेरा बेसिक अच्छा हो गया, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, मेरे द्वारा मिल जाएगी आपको। नंबर 4, छोटे छोटे टारगेट बनाए 15 दिन के, 25 दिन के, और उसमें अपने अपने एक एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहे, और उनसे पुराने पेपर से उसको मैच करें, क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको या नहीं मिल रहे, ठीक है। देखिए नंबर चार प्रैक्टिस मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट, देखिए मैथ्स के अंदर वो है, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मिनट। लेकिन मैथ्स में आप जानते हैं अच्छे से, 1 क्वेश्चन 1 मिनट में सारे प्रश्न नहीं हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट कि उस समय हमारे साथ दिक्कत आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे का अलार्म भरें, है ना, 1 घंटे का अलार्म आपकी घड़ी में भरें, और देखें कि आपके अमुक टॉपिक में कितने क्वेश्चन आप उस 1 घंटे में कर पा रहे हैं। आपकी 1 घंटे में स्टूडेंट लगभग 20 से 25 प्रश्न सही सही होने चाहिए, भले कर तो 50 लोग, लेकिन 25 से 30 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। तो आप अपनी स्पीड को भी मेजर करते रहें, स्पीड मेजरमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर मेरा पेपर छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ आता था, खत्म। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान रखने का कि प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड को मेजर करते रहें, 1 घंटे का अलार्म बनाएं, उस 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, ये आपको घर पर होमवर्क करते रहना है, बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ये सब बातें मैं आपको कंटेंट से इधर बता रहा हूं, कंटेंट के बाद बात की, ये सब चीजें कंटेंट के अलावा है जो कि आपको होमवर्क करना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप तैयारी कर कंटेंट तो कर लेंगे, लेकिन ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है, ओके। तो आपको स्पीड पर विशेष ध्यान देना है, स्पीड विद एक्यूरेसी ही आपको सफलता दिलाती है मैथ सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है सर। देखिए नंबर 5, अभी आपको कोई खास मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोलता हूं कोई ऐसे खास टेस्ट इसकी भी जरूरत नहीं है, केवल आपको अभी अपने बेसिक पे ध्यान देना है। बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लें, 10 चीजों को एक बार पढ़े, मैंने कहा एक चीज को 10 बार पढ़े, जितना कम से कम सोर्स रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको सहूलियत होगी और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं कि अमुक दोस्त ने बोला ये बुक लिया, अमुक दोस्त ने कहा ये कोचिंग की नोट्स लिया, अमुक दोस्त ने कहा वो कोचिंग नोट्स लिया, सब बेकार की बातें स्टूडेंट। एक बुक में आपको 80-90% सब जगह सेम ही मिलता है। तो आप, मैंने क्या कहा आपको, एक चीज को 10 बार पढ़ना है बजाय कि 10 चीजों को एक बार, क्योंकि यहां प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम होने तक 3 से 4 बार मैथ्स का अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो नो डाउट कितना भी कठिन प्रश्न आएगा आप निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रैक्टिस पे आती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का दूसरी बार भी सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलेबस पूरा होने में लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं। तो फिर आप 6 से 7 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं, ये तो आपका एक ही बार सिलेबस होगा, दूसरी बार होगा कहां से। इसलिए बहुत जरूरी है मैथ्स में समय से पहले जगना और तैयारी शुरू करना। इसलिए मैं कहता हूं वैकेंसी का वेट किए बिना तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आपका 3 से 4 बार सिलेबस हो गया मैथ्स का तो कोई डाउट नहीं, आप जाकर के एग्जाम में आराम से लिख पाओगे, ठीक है। स्पीड मैंने बता दी स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड करनी है, पुराने पेपर्स के टच में रहना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। अगर आपको कोई मित्र नेगेटिव बातें करता है उससे बिल्कुल दूर रहिए, कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसे मित्र बनाने की। जो आपके पॉजिटिव सोच वाले हैं उनका एक ग्रुप बनाइए, 5-10 लोगों का, हफ्ते में एक बार इकट्ठे होइए, टॉपिक पहले से बता दीजिए और डिस्कस कीजिए, ठीक है। जैसे भाई हम मैट्रिक रिटर्नमेंट पर जो भी किसी के प्रॉब्लम्स हैं, वो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होता स्टूडेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने का। लेकिन आप सबकी मित्रों की सोच एक जैसी होनी चाहिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, नेगेटिव वाइब्रेशन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बाकी ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं जो कि आप नहीं निकाल सकें, लेकिन बहुत छोटे छोटे फैक्टर इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से आप रह जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ चीजें थी 2024 में आपको बहुत ध्यान रखनी। मैंने कोई कंटेंट पे बिल्कुल बात नहीं की है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोज पहले भी बना रखे हैं, आगे भी बनाऊंगा। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं 2024 के अंदर, पॉजिटिविटी रखिए बस, विचारों में, सोच में, आपके आसपास, मित्रों में,
बस ये चीजों को ध्यान रखिएगा तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, कोई इसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करते रहिए, मैं फिर कह रहा हूँ जॉब छोड़ने की जरूरत करते ही नहीं है। अपना टाइम टेबल ऐसा सेट कीजिए कि आपका पढ़ाई भी हो सके और आपकी अर्निंग भी हो सके। अगर आप अर्निंग बंद कर देंगे तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं, हमने भी किया है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी अभी से होनी बहुत जरूरी है ताकि आपका चयन बिल्कुल तय हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पुनः आपको नए आगामी साल की शुभकामनाएं, बहुत जल्दी कल हमको नया साल मिल जाएगा स्टूडेंट। लेकिन अब ये जो आज जो अंतिम दिन है उसमें आपकी जितनी भी निराशाएं, कुंठाएं, असफलताएं, उन सबको बिल्कुल छोड़ दीजिए। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अब आगे बढ़ें और कल एंजॉय करें, उसके बाद परसों से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक रहा है तो मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके थैंक्स, धन्यवाद।